హైదరాబాద్ లో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని త్వరలో ఏర్పాటు చేయాలని లేని పక్షాన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తానని మాజీ ఎంపీ వి హనుమంతరావు హెచ్చరించారు. మంగళవారం గన్ పార్క్ మీడియా పాయింట్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో హనుమంతరావు మాట్లాడారు. मंगलवार गनपाक मीडिया पॉइंट माजी एंपी वी हनुमंतराव मात्लाडुतू बट्टी विक्रमार्क असेंबली अंबेडकर विषयानी एत्तालनी आयन डिमांड चेशारु. केसीआर पंजागुट चौरस्ता वद्द अंबेडकर पात विग्रहं वद्दने नूतन विग्रहान्नि एर्पाटु चेयालनी असेंबली तीर्मानं चेयालनी आयन डिमांड चेशारु. लेनी पक्षान आमरण निराहार दीक्ष चेस्तामनी आयन हेच्चरिंचारु. सीएम केसीआर मीडिया मित्रुलनु तम अवसरालकु वाडुकुंटुन्नारनि ई रोजु गनपाक वद्द मीडिया मित्रुलनु चूसे नादुडे करुवेयाडनि तक्षणमे वारिकि वसतुलु कल्पिंचालनि आयन डिमांड चेशारु. असेंबली शुरू हो गया, आज को 10 दिन हो रहा है. मैं समझा असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करेंगे. क्यों बोलते हो, लास्ट ईयर यही 13 अप्रैल को अंबेडकर का स्टैचू तैयार हो गया. रात से शुरू हुआ, 12 तारीख से 13 के सुबह में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इसको तोड़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू डस्टबिन में डाल दिए. उसके बाद हम हंगामा करे तो वो लेबर जो काम करे उनको सस्पेंड करे. उसके बाद वो स्टैचू की बात नहीं करे तो मैं अमलापुरम से 5 लाख लगा के स्टैचू लाया, वो भी उठा के ले जाके पुलिस स्टेशन में लेके आज कुल 7 महीने हो रहा. अब ये 5 महीने हुए तो फिर अंबेडकर का बर्थडे आता 14 अप्रैल. मैं चाह देखा हूँ जितने भी एमएलए से बाबा साहब अंबेडकर के रिजर्वेशन के वजह से हर पार्टी में एमएलए एमएलसी बने, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं उठा रहे. मैं आज हमारे बट्टी विक्रमार से पूछा, देखो भैया तू भी अपोजिशन लीडर कहीं को बना रहे, भाई बाबा साहब अंबेडकर के वजह से बना, आज वो आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या गलती करे? राजशेखर का स्टैचू रह सकता वहाँ? अंबेडकर करे, अंबेडकर देशद्रोही है, देश को दिशा बताया, दशा बताया. तो इसी वजह से अगर ये असेंबली खत्म हुए तक स्टैचू की बात अगर असेंबली में उठा के वहां नहीं लगाए तो मैं आमरण निराहार दीक्षा करूंगा. मने तो परवाह नहीं, जो उनके गुरु है महात्मा ज्योतिराव फुले आदेश पर पढ़ लिख के तो आगे बढ़ेंगे. बोले बैरिस्टर बनकर इस देश का कानून बनाया, आज हर आदमी उनका फोटो लगाना चाहिए. आज रिजर्वेशन मिल रहा बीसीओं को, जितने भी पार्टी वाले हैं उसमें एमएलए एमएलसी से आवाज उठाना चाहिए. नहीं उठाए तो तुम अंबेडकर का इंसल्ट करे सरकार. मैं बराबर लड़ूंगा. और दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं ये तीसरा मरता यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने का. एक गवर्नमेंट को इतना भी सोच नहीं है. केसीआर कल यादगिरी उठा गए तो बंदरों को मोज खिलाने से फोटो आता, चिन्हजीयर स्वामी के घर को गए तो फोटो डालते.